वो मसल्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं जब आपके पंजे इस्तेमाल में होते हैं। आप जब भी अपने पंजों से किसी चीज़ को उठाते हैं या पकड़ते हैं, चाहे वो डंबल उठा रहे हों या घर का कोई सामान, तब सबसे ज़्यादा जो मसल्स यूज़ होती हैं वो है फोरआर्म्स की मसल्स। फोरआर्म्स की मसल्स का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये वही मसल्स है जिसकी वजह से या जिसके कमज़ोर होने की वजह से लोग पुशअप या पुल अप्स या चिन अप्स नहीं कर पाते। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ चार एक्सरसाइज, और इन चार एक्सरसाइज के आपके फोरआर्म्स पर पड़ेंगे चार असर। और वो चार क्या असर पड़ेंगे? पहला तो आपके फोरआर्म्स हो जाएंगे बिगर, दूसरा स्ट्रॉन्गर, तीसरा ब्रॉड, चौथा अट्रैक्टिव। फोरआर्म्स की एक्सरसाइज नॉर्मल एक्सरसाइज से थोड़ी सी डिफरेंट है। उसका रीज़न है कि अक्सर आप लोगों ने भी सुना होगा और मैंने भी बहुत वीडियोज़ में अपनी बताया है कि वेट कम रखें जब भी आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर फोरआर्म्स में आपको इसका बिल्कुल उल्टा करना होता है। इसमें आपको वेट ज़्यादा लगाना है, क्योंकि फोरआर्म्स में बहुत छोटे छोटे बेबी मसल्स होते हैं और उनको पंप करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आपको दो चेंजेस करने हैं, पहला वेट ज़्यादा लगाना है, दूसरा अनलिमिटेड रेपिटेशन, यानी कि कोई भी रेपिटेशन की गिनती नहीं है। आप तब तक लगाएंगे जितना आपका परफॉर्मेंस है, अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रेपिटेशन लगाइए और इन एक्सरसाइज को अच्छे से देखिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट भी कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।